साइनेट खिड़किया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में पूरे अध्यापक नहीं होने की वजह से बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और उनको मजबूरन दूसरे स्कूलों की शरण लेनी पड़ रही है। सारा स्टाफ गया, सिर्फ HM और सारे शिक्षक, दो शिक्षक रह गए। अच्छी संख्या थी बच्चों की, लेकिन टीचरों के अभाव में सारे बच्चे, लगभग काफ़ी बच्चे तो टीचर लेके जा चुके हैं और पढ़ाई के अभाव में बाकी जो बच्चे हैं वो भी नहीं आ रहे। बच्चों की संख्या बहुत कम हमारे विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, किसी दिन 25, 30, 50 जो संख्या बच्चों की है, कम से कम बच्चे संख्या रहती है। पहले तो पढ़ाई होती थी, अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, टीचर कम हो रहे हैं। कितने दिन पहले कम हुए टीचर? 2-3 महीने हुए ना। जब से ये स्टाफ पैटर्न हुआ है, ये जब से बिल्कुल जुलाई से तो पढ़ाई नाम मात्र की नहीं है, बच्चों को समय नहीं दे पाते। टीचर के अभाव में एक आदमी डाक में लगा रहता है और एक टीचर 8 क्लासों को लेकर बैठा रहता है, तो पढ़ाई असंभव है। अभी मैंने देखा कि आप इतने सारे बच्चों, 20-25 बच्चों को, तो उसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे थे? पहली से लगा करके 5वीं तक के बच्चे हैं। और वैसे स्कूल कितनी क्लास तक है? ये पहली क्लास से लगा के 8वीं तक के स्कूल है। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? बाकी के बच्चे नहीं आ रहे, टीचरों के अभाव में आते नहीं। छठी सातवीं आठवीं बच्चे समझते हैं कि पढ़ाई तो होती नहीं है, घर जा जाके बुलाने पड़ते हैं, घर वालों को समझाना पड़ता है, घर वालों का यही उत्तर मिलता है हमको, क्या टीचर तो ही नहीं, मत बच्चे जाके करेंगे क्या। इसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं अभी तक? हमने यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी जी को लिखित में दे दी कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे बराबर TC ले रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये व्यवस्था आगे से। हमारा समुदाय चाहता है कि उस विद्यालय में पूरे अध्यापक लगाए जाएं, जिससे अल्पसंख्यक व SC वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी का नंबर है 0-64-64-220-150। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।